सो है गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। सो आज का वीडियो अपना होने वाला है होंडा शाइन 100 के बारे में। बाइक से रिलेटेड सारे डाउट्स आप लोगों के इस वीडियो से क्लियर हो जाने वाले हैं। बाइक लेने का प्लान कर रहे हो तो वीडियो को एंड तक देखना, या फिर किसी भी 100 cc बाइक को लेने में कंफ्यूज हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ना काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। पूरा डिटेल में बात करेंगे, कलर ऑप्शन, लेटेस्ट ऑन रोड प्राइसिंग और जो भी कुछ आप लोगों को बाइक में मिलता है सब चीज़ों के बारे में। स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो कलर ऑप्शन के साथ ही। सो टोटल 5 कलर ऑप्शन में शाइन 100 अवेलेबल रहती है। बाइक का जो बेस पेंट है ये सभी कलर में आपको ब्लैक ही मिलेगा। स्टिकरिंग में डिफरेंस आ जाता है, जैसे कि ये है अपने पास ब्लैक रेड, इस टाइप से एक ब्लैक ब्लू भी हो जाता है, ब्लैक सिल्वर भी है। इस टाइप से टोटल आपके 5 कलर ऑप्शन है और ये ही सेम कलर आप लोग देख सकते हो कॉम्बिनेशन ना ब्लैक और रेड का शाइन 125 में भी मिलता है, जिसकी वजह से ये बाइक का जन्म हुआ। शाइन और शाइन दो इंजन ऑप्शन आ जाते हैं, शाइन 100 और शाइन 125। प्राइसिंग की बात करते हैं तो ऑन रोड जयपुर शाइन 100 आप लोगों को कॉस्ट करने वाली है 74,500 रुपये, 74,500 रुपीज़ ऑन रोड जयपुर आपका रहेगा शाइन 100। वेरिएंट सिंगल ही है तो सिर्फ आपका यही प्राइसिंग रहेगा, एक ही वेरिएंट में बाइक अवेलेबल रहने वाली है। अब स्टार्ट करते हैं बाइक में आप लोगों को क्या कुछ मिल जाता है। फ्रंट में यहाँ पे साइड से वाइजर देखने को मिलेगा, स्टिकरिंग का यूज़ वाइजर पे भी आ जाता है, जो कि आप लोग बॉडी कलर के अकॉर्डिंग देख सकते हो, होंडा की ब्रांडिंग है। लाइटिंग सेटअप कंप्लीट आपका हेलोजन में ही है, साइड से कुछ इंडिकेटर है ऑरेंज ग्लास में, यही शेप शाइन 125 में भी मिलता है क्लियर ग्लास में, तो आप लोग एक्स्ट्रा कंपनी से ही परचेज करके इसका ग्लास भी चेंज करवा सकते हो। यहाँ जाता अपना हेडलैम्प, नंबर प्लेट की प्लेसिंग, वाइजर का शेप ये कुछ आप लोग देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता ये आप लोगों को फील भी हो सकता है शाइन 125 से भी। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन सेटअप है, इस कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप लोगों को थिकनेस यहाँ पे देखने को मिल जाती है और ट्रैवल भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगर कच्चे रस्तों पे या फिर रफ रोड्स पे आप लोगों को चलना है तो ये भी काफ़ी अच्छा सेटअप बन जाने वाला है सभी कलर ऑप्शन में। फ्रंट मडगार्ड आपका मैट ब्लैक में ही रहेगा, यहाँ पे है ग्लॉस ब्लैक, यहाँ पे आ जाता है मैट ब्लैक। सो सभी कलर ऑप्शन में फ्रंट मडगार्ड आपका मैट ब्लैक में ही रहने वाला है। टायर यहाँ पे आप लोगों को मिलता है ट्यूब टायर, ट्यूबलेस यहाँ पे नहीं है, ये आप लोगों को मिलने वाला है ट्यूब टायर। जैसा कि आप लोग देख रहे हो स्क्रू यहाँ से विजिबल है, अगर ये ट्यूबलेस होता है तो स्क्रू विजिबल नहीं रहता, वहाँ पे एक प्रॉपर ट्यूब टाइप का सेटअप आ जाता है। फ्रंट ब्रेकिंग की बात करते हैं तो फ्रंट ब्रेकिंग यहाँ पर रहने वाला है 130 mm ड्रम, 130 mm का ड्रम फ्रंट में मिल जाता है, इस टाइप से कुछ अलॉय है। रिफ्लेक्टर आ जाता है जो कि मैंडेटरी वाला पार्ट है, ये अपना कुछ इस टाइप से लेग गार्ड, काफ़ी अच्छी इसकी भी क्वालिटी आपको फील होने वाली है। किक मिल जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा नेसेसरी, काफ़ी ज़रूरी चीज़ हो जाती है ना इस कैटेगरी के अकॉर्डिंग स्पेशली, और किक आप लोगों को शाइन 125 में भी मिलता ही है। इस टाइप से कुछ अपना फ्रंट लुक है। क्लच पे यहाँ पे आप लोगों को रबर ग्रिप मिल जाती है और ब्रेक लीवर पे भी रबर कवरिंग आ जाती है। इस टाइप से कुछ रियर व्यू मिरर है, शेप सेम है जैसे कि होंडा की सभी बाइक्स में, सभी स्कूटीज़ में अवेलेबल रहता है। ये अपना 130 mm का ड्रम फ्रंट में कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम के साथ। फ्रंट टायर की ग्रेडिंग 2.7517 mrf का ये टायर है, ट्यूब टायर ये अपना होने वाला है। इस साइड से कुछ अपोजिट साइड प्रोफाइल आपका बाइक का बनता है और यहाँ पे आ जाता है अपना MID सेटअप कंप्लीट एनालॉग में ही। मीटर यहाँ पे मिलेगा, ड्यूल सर्कुलर एक आप लोगों को यहाँ पे विंडो मिल जाती है। 140 तक स्पीडोमीटर में मार्किंग है, पर 140 ना देखो खुश करने के लिए दी हुई है। टॉप स्पीड इसकी लगभग आप लोगों को 90-95 के अराउंड ही मिलने वाला है। यहाँ जाता है अपना ऑडोमीटर, सब कुछ एनालॉग में ही रहने वाला है। ये आपका फ्यूल गेज, टोटल 9 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। न्यूट्रल, इंजन चेक लाइट, इंडिकेटर, हाई बीम लो बीम, होंडा का लोगो सेंटर में, इस टाइप से कुछ यहाँ पे आप लोगों को की का सेटअप जो शेप है वो रहने वाला है शाइन 125 और SP125 जैसा ही। बाइक में बैटरी कनेक्टेड नहीं है पर कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ पे कुछ एज सच ना प्रोसेस होता नहीं है। क्लच का फील काफ़ी लाइट है इस कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही, हाई बीम लो बीम, पास वाला एज सच कोई भी स्विच अवेलेबल नहीं है। यहाँ जाता है इंडिकेटर, सिंगल बेजर में ही काफ़ी लाउड हॉर्न है। हैंडल बार का सेटअप ग्लॉसी ब्लैक में, राइट साइड पर आ जाता है आपका सेल्फ का स्विच, इस टाइप से कुछ एक्सीलेटर अपना थ्रॉटल ग्रिप रहने वाला है और ये रहा बार एंड भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखते हैं तो फ्यूल टैंक प्रॉपर मेटल में है, E20 का स्टिकर, एक वार्निंग स्टिकर, फ्यूल कैप क्रोम में, टोटल 9 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। स्टिकरिंग का काम यहाँ पर आ जाता है, प्लस होंडा का भी स्टिकर, ये एम्बलम वाला नहीं है, स्टिकर ही यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। सीट की बात करते हैं तो सीट का साइज़ यहाँ से आप देख सकते हो काफ़ी एक इनफ साइज़ कह सकते हैं, और फ्लैट सीट ये है, बिल्कुल फ्लैट सीट मिलती है, जिसकी वजह से यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी कंफर्ट भी मिल जाता है इस कैटेगरी के अकॉर्डिंग। यहाँ से देख सकते हो बिल्कुल फ्लैट सीट है। सीट हाइट की बात करते हैं तो 786 mm, 786 mm की टोटल आपकी सीट हाइट रहने वाली है। क्रोम का यूज़ साइड प्रोफाइल पर ये थोड़ा सा देखने को मिल जाता है, बाकी शाइन की ब्लेंडिंग आ जाती है और रेयर फेयरिंग पे सेट से कुछ आपका ये स्टिकरिंग आ जाता है। सिंगल पीस में ही सिल्वर कलर में यहाँ पे ग्रे ब्रेल आ जाएगा और इसी टाइप से कुछ आपका हीट शील्ड भी एग्जॉस्ट पे आने वाला है। रियर सस्पेंशन कोई एडजस्टमेंट यहाँ पे आप लोगों को नहीं मिलेगा, ड्यूल हाइड्रोलिक स्प्रिंग वाला सेटअप यहाँ पे मिल जाता है। रियर टायर का सेटअप देख लेते हैं तो पैटर्न अपना कुछ इस टाइप से बन जाता है रियर टायर का, वही MRF का
ट्यूब टायर ही अपना रहने वाला है। और ग्रेडिंग है जी इसकी यहाँ पे अपने को 3.0017, ये आपका है 2.75 फ्रंट था, 3.00 आपका रियर है। इस टाइप से हीट शील्ड है, मेटल में ही एयर अपना। एग्जॉस्ट इंजन की बात कर लेते हैं तो इस टाइप से कुछ आपका ब्रेक लीवर आ जाता है। फुट पैक फिक्स वाला ही यहाँ पे रहेगा, कोई भी एडजस्टमेंट आप लोग यहाँ पे नहीं कर सकते, हालांकि रियर में कर सकते हैं। इनान स्मार्ट पावर ESP आ जाता है। इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात कर लेते हैं तो 99.7 सीसी का यहाँ पे आप लोगों को इंजन मिल जाता है 4-स्पीड गियर बॉक्स के साथ। तो शाइन 100 में 4 गियर ही आप लोगों को मिलने वाले हैं। 7.6 HP का पीक पावर है और 8.05 NM का टोटल आपका टॉर्क रहने वाला है। एक चीज़ रह गया था, फ्रंट ड्रम अपने को था 130 mm का और रियर ड्रम यहाँ पे आप लोगों को मिलता है 110 mm का। 110 mm का आपको ड्रम मिल जाता है रियर में, तो ये एक साइज़ में चेंज है। और एक चीज़ और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, जो अपना सस्पेंशन है रियर का, ये आपको रहता है गैब्रियल का। गैब्रियल की प्रॉपर मार्किंग भी मिल जाती है। इस टाइप से बाइक का रियर लुक है। यहाँ पे टेल टाइड दिया जाता है, ये अपना टेल लैम्प। अपोजिट साइड साड़ी गार्ड फुटरेस्ट दोनों हैं। चेन का सेटअप फुली कवर्ड वाला है फाइबर कपरिंग के साथ। साइड स्टैंड सेंटर स्टैंड दोनों हैं। साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ भी मिल जाता है। और इस टाइप से कुछ आपका ड्यूल हेड में गियर लीवर आ जाता है। और ये रहा इंजन का टेक्सचर अपोजिट साइड से। तो सारी डिटेल अपने कंप्लीट हो चुकी है जितनी भी आपको बताने की थी। अगर कुछ आपके डाउट्स हो तो कमेंट करके और मैसेज करके इंस्टाग्राम पर आप लोग मुझसे पूछ सकते हो शाइन 100 के बारे में। प्लस CD 110 भी आ जाता है, जो कि शाइन से एक सेगमेंट ऊपर का सेटअप हो जाता है। CD 110 में 110 cc का इंजन रहता है और शाइन 100 में 100 cc का 99.7 cc का इंजन अपना रहता है। ये रही शाइन 100 की सारी ही डिटेल, स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो। बाइक का जो टोटल वेट है ये है 99 kg, 99 kg टोटल आपका वेट यहाँ पर रहता है। करते हैं जी अपना ये वाला वीडियो एंड और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ इसी के नेक्स्ट डे। जब तक के लिए ध्यान रखो खुद का भी, घर वालों का भी और आपकी गाड़ियों का भी। टेक केयर, बाय बाय।